हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माता मोहंदी ओसवाल यूट्यूब चैनल। आई एम गगनदीप कौर, एसएसटी टीचर ऑफ माता मोहंदी ओसवाल पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर स्टार्ट फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, श्री गुरु अर्जुन देव जी, कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म एंड हिज मार्टिरम। गुरु अर्जुन देव जी के सिख धर्म के विकास में योगदान और उनकी शहीदी के बारे में। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिखों के पाँचवें गुरु थे। वे गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद 1581 ईस्वी में गुरुगद्दी पे बैठे। अपने गुरु कौल के जो 25 साल उन्होंने सिख धर्म के विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके महान काम और नई सोच से लोगों को, मतलब सिखों को, नई दिशा प्रदान हुई। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को गोइंदवाल साहिब में हुआ था। उनके पिताजी गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। वो सोडी जाति के खत्री थे। उनके माता जी का नाम बीबी भानी, जो कि गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। वे अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके दो बड़े भाई भी थे, पृथिया चंद और महादेव। गुरु अर्जन देव जी का विवाह 1579 ईस्वी में फिलौर तहसील में स्थित म्यू गाँव के निवासी कृष्ण चंद की पुत्री गंगा देवी से हुआ। विवाह के काफ़ी लंबे समय के बाद 1595 ईस्वी में उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हरगोविंद रखा गया। बाद में वो सिखों के छठवें गुरु बने। नेक्स्ट बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म अंडर गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के सिख धर्म का विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। फर्स्ट है बेटा फाउंडेशन ऑफ श्री हरिमंदिर साहिब। हरिमंदिर साहिब की नींव रखवाई, उसमें हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराया, उसमें संतोखसर नामक जो सरोवर की खुदाई करवाई। इससे क्या हुआ बेटा, हरिमंदिर साहिब का निर्माण करके सिखों को उनका एक पवित्र स्थान प्रदान किया। नेक्स्ट है बेटा आदि ग्रंथ साहिब का संकलन। 1606 ईस्वी में आदि ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ, जिसमें सारे जो पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी के 976 शब्द और गुरु अंगद देव जी के 62, अमरदास जी के 907 और श्री गुरु रामदास जी के 679 और गुरु अर्जन देव जी के 2216 शब्द दर्ज थे इसमें। नेक्स्ट बेटा 1606 में इसमें काम मुकम्मल हुआ। उसके बाद शिरटा साहब में कंस्ट्रक्शन करवाई, डेवलपमेंट ऑफ मसंद प्रथा का विस्तार करवाया, उसे मतलब कि सही तरीके से उसे चलाया। नेक्स्ट बेटा लाहौर में वाली साहब का निर्माण 1599 ईस्वी में और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाउन्स तरन तरन साहिब, करतारपुर साहिब और हरगोविंदपुरा की स्थापना करवाई। उसके बाद बेटा नॉमिनेशन ऑफ हिज सक्सेसर। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी ने अपने उत्तराधिकारी, मतलब गुरुगद्दी पर श्री गुरु हरगोविंद जी को बिठाया। और नेक्स्ट है बेटा मार्टिरम ऑफ श्री गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी, श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के कारण क्या थे बेटा। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म का जो सिख पंथ का संगठन तथा विकास जो बढ़ रहा था, गुरु अर्जुन देव जी द्वारा सिख पंथ के विकास के लिए जो कार्य किए गए, उन्होंने अमृतसर, हरिमंदिर साहिब, तरन तारण साहिब, करतारपुर साहिब, हरगोविंद नगरों का जो निर्माण करवाया, इसमें ना केवल सिख धर्म का संगठन एवं विकास हुआ, बल्कि गुरु साहिब की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे सिखों की संख्या में भी वृद्धि हुई। मतलब सिख धर्म का विकास होने के साथ साथ मतलब कि सिखों की गिनती में भी फर्क पड़ा। सिख धर्म की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जहांगीर को यह डर लगने लग गया कि कहीं उसकी यह धर्म उस सरकार तथा इस्लाम धर्म को खतरा ना बन जाए, इसीलिए उसने गुरु साहिब के विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट बेटा चंदू शाह की, पृथ्वीचंद की जो दुश्मनी थी। पृथ्वीचंद जो गुरुजी का बड़ा भाई था, वो अपने आप को गद्दी के योग्य समझता था कि गद्दी पर मेरा अधिकार था, गुरुगद्दी पे। नेक्स्ट है बेटा ऑपोजिशन ऑफ चंदू शाह भी गुरुजी के अगेंस्ट था, क्योंकि वो अपनी पुत्री का विवाह था गुरु हरगोविंद जी के साथ करना चाहता था, बट किसी कारण के साथ उन दो आपस में अनबन होने हो गई। ज़्यादा एक्सप्लेन में जाएंगे हम तो ज़्यादा बेटा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसी कारण मतलब थोड़ी से इनमें आपस में जो तनाव पैदा हो गया। नेक्स्ट बेटा रिलीजियस इनटॉलरेशन ऑफ जहांगीर की धार्मिक कट्टरता इसका मेन कारण बनी। नेक्स्ट है कुछ तत्कालीन कारण भी थे। मार्टिरम ऑफ गुरु अर्जुन देव जी,
24 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जन देव जी को लाहौर लाया गया। उसके बाद बेटा 30 मई 1606 ईस्वी को बहुत ही जुल्म करके तसीहे देकर गुरुजी को शहीद कर दिया गया। इसके बाद बेटा गुरुजी की शहीदी के क्या प्रभाव पड़े। फर्स्ट है बेटा अडॉप्टेशन ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ सिक्स्थ गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी ने नई नीति अपनाई गुरुगद्दी पे बैठने पे, नई नीति जिसमें मीरी और पीरी की दो तलवारें धारण की और जो सिख थे मीरी और पीर की दो तलवारें धारण की। नेक्स्ट बेटा उनके मुगलों और सिखों में आपसी स्ट्रगल जो संघर्ष था वो चलता रहा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा जो सिख थे मतलब कि सिख धर्म के जो लोग थे उनका जो डर बहादुरी और मतलब कि इतने बहादुर हो चुके थे कि उनमें उत्साह आ गया था कि मुगलों का डट के सामना करने का, वो बलिदान देने की भावना पैदा हो गई थी उनके, वे एक अच्छे मतलब कि सेनानी बन गए थे। जिससे क्या हुआ कि जिसके रिजल्ट में वो जो मुगलों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। और गुरु अर्जन देव जी के कार्य मतलब कि जो जो भी उन्होंने कार्य किया उससे सिख धर्म को नई दिशा प्रदान हुई और सिख धर्म का इतना विकास हुआ कि वो अपने जो धर्म की रक्षा के लिए मुगलों का सामना कर सकती थी। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।